अच्छा एक ये हो गया, एक ले आया हूँ ये पोचा, ये जो आप बोलती थी कि पोचा नहीं है। सारिया मावा नबी दी मादा सदका शाना पाया ने। हाँ अमीना, अपनी भाभी को नहीं लेके दिया? कराची से शगुफ्ता सिस्टर वो बोल रही थी कि ये जो है ना, इसको इधर से खाली कर दो, ये जो जैसे पड़ा हुआ है इसको खाली कर दो, ये जगह बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगी। तो ये जो है बरामदा हमारा, ये वाला, ये टोटली ऐसे खाली रहते हैं ना, बाजू भी आप सुकून से अपना खाओ पियो अयाशी करो, बस ये काम जो है आप खत्म कर दो। क्या हाल है? ठीक हो? बशी कहाँ है? किधर है? सुती भी है? कितना अंदर सूती भी है? देख रही होती है कि पैसे ढूंढ रही होती है कि हाँ जी इधर इधर जाना है, इधर से पैसे मिलेंगे, किस्त बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुबतला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए। तो जी हमारा व्लॉग हो गया है स्टार्ट, मैं अभी पहुँचा हूँ घर, और आज गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, और अमीना जो है, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ और जो है दे है और तय के भाई कटवा चा, हाँ वो जा मुझे 700 किसका जोड़े का 700, हाँ आपका जोड़ा सही नहीं है, तू जलते देखे ना ना रफीक लंदिया बिरानी बैठा, हाँ नहीं हम लंडे पे नहीं लेंगे आपके कपड़े, हम दुकान से लेंगे नए, ठीक है, नए नए कपड़े लेंगे, लंडे से नहीं लेंगे, ठीक है। चिट्टा सूट गया नहीं तो किंगरे फूलदार लेकिन फूल फूल बढ़िया, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है सही है सही है। खुश हो आप? हाँ जी हाँ जी, इसने जो है कपड़े ले लिए हैं फुल वाले चिट्टे जोड़े, कहती है चिट्टा जोड़ा मैंने ले लिया, इसकी वेस्ट थी चिट्टा जोड़ा, कल मैं इधर था कहाँ गया था, नहीं नहीं मोटरसाइकिल क्यों दे आता, मेरा मोटरसाइकिल तो वो खड़ा है। हाँ जी हाँ जी, हाँ आप जोश वाले पौरे, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इधर जो बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, आज यार नहीं बोलना आप गुस्सा करते हैं, अब अब्बू जी ही बोलना है, ठीक है ऐसे यार, कोई फर्क नहीं ना, फिर ठीक है। और सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत ठीक है, खुश हो, मौज लगी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौज के साथ आपकी फौज भी ले आया हूँ, ये लें आपकी दवाइयाँ, ये जी दवाइयाँ जो है, आज मैं सुबह गया था सिटी तो मैंने कहा अबू की दवाइयाँ भी ले आते हैं, तो अबू की दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई थी वो ले आया हूँ माशाल्लाह से, अब दवाइयाँ भी कम्प्लीट, ये 10 दिन की लेके आया हूँ, ठीक है, हाँ 10 दिन के बाद फिर मैंने कहा आपको ना चेक करवाएंगे डॉक्टर साहब से, वो चेकअप वगैरह सब कुछ करके उसके बाद फिर दवाई लेंगे, अभी 10 दिन के लिए के आया हूँ, सुबह थी मुझे जल्दी थी इसलिए मैं चला गया, अगर जल्दी ना होती तो अब्बू को साथ लेके जाता, तो मैंने ड्यूटी पर भी जाना था इसलिए मैं सुबह सुबह पहले उधर गया, उधर से फिर ड्यूटी पर आया, ड्यूटी से फिर अगर मैं अब्बू को साथ ले जाता तो फिर मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता, तो फिर छुट्टी काट जाती, तो इसलिए फिर मैं अब्बू को नहीं लेके गया था, अकेला गया, मैंने कहा चलो 10 दिन के अभी ले आते हैं, 10 दिन के बाद फिर चेकअप करवाएंगे, तो अभी जो है ले आया हूँ माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बैठे हो, अल्लाह अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज दूँ, हाँ जी अच्छी खबर दूँ आपके लिए, हाँ जी आप ये काम छोड़ दो, अच्छा हाँ ये काम छोड़ दो, ये छाबियों वाला, हाँ जी, और जो हफ्ते की आप बनाती हो हर हफ्ते की, वो हफ्ते के पैसे मैं आपको दूंगा,
ठीक हो गया। हाँ बस इसको जो है इसको खत्म कर दो। हाँ आपके जो बाजू ये बाजू दर्द करते रहते हैं ना, बाजू भी अब आप सुकून से अपना खाओ पियो अयाशी करो, बस ये काम जो है आप खत्म कर दो। हाँ आज है, आज से उसको मुकम्मल कर लो, यानी ये पड़ी ना रहे ऐसे खराब हो जाएगी। हाँ इसको मुकम्मल करके उसके बाद आपने ख़त्म कर देनी है, फिर हफ्ते के जो है जितना आप ये कमाती हो ना हफ्ते के वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ भाई नवा सूट आ गया, वो चिट्टा सूट आ गया। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मीना का चिट्टा जोड़ा आ गया, और वो देखो जी काले काले लेस भी लगी हुई है। हाँ जी वाह जी वाह, ये काला काला, काला इधर से कलर लगा हुआ है। हाँ एहो पंजा चिट्टा है ना वाह। हाँ चन्ना में छटी की है। हाँ एहो कल सोना है, मुंह को सोना है। हाँ जी, जो मेरी पुप्पो कहती है कि पुप्पो जो रख के गई थी इधर फेंक के गई थी, मतलब वो हमारी सराकी में सट के गई थी, तो वो इधर रख के गई थी तो कहती है कि उससे भी ज़्यादा प्यारा है, उससे ज़्यादा खूबसूरत सोना है, तो इसलिए फिर ये है अमीना का जोड़ा। हाँ जल्दी पापा के जाऊंगी। ओ खैर ओ खैर, फिर ठीक है। हाँ जी ये सलवार है। हाँ ये आगे का सही है, ठीक है रख दो। और अम्मी आपकी कल जो नात आपने पढ़ी थी, आपने जो नात अम्मी पढ़ी थी, साहब बहन भाई तारीफ कर रहे थे, और जो दो कमेंट्स आए ना इतने प्यारे कमेंट्स आए कि मेरा ना दिल बड़ा हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। वो कमेंट्स ये है कि आप ना आपने मदीने वाली नात सुनाई थी ना, तो दो सिस्टरें ऐसी थी उन्होंने बोला के अल्लाह करे आप इसी साल ही मदीने जाओ। मैं कुछ मैं कुता ख्वाहिश ये आज मैं मदीने जाऊं, मैं सोने जजारता करूं। हां तो वो फिर इसलिए फिर उन्होंने दुआएं दी कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ना आपको इसी साल के अंदर ही हज पे ले जाए, इसी साल के अंदर ही उमरे पे ले जाए, ऐसे दुआएं दी मुझे ना। सच में आप लोगों के जो कमेंट्स आपने ये किए थे ना मेरी बेगम के लिए और अम्मी के लिए, बस मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है, मैं कैसे बयान करूं, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई ना बहुत ज़्यादा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी हमारे लिए दुआ की, और मेरी सब बहनों का शुक्रिया जो सब बहनें साथ दे रही हैं और दुआएं दे रही हैं, हर व्लॉग में हमें दुआएं देती हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके अगर लूँ तो फिर हम मेरा व्लॉग भी मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जो भी बहनें मुझे दुआएं दे रही हैं उन सब का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, और जो दुआएँ आप मेरे लिए मांग रहे हो अल्लाह पाक इससे दुगनी आपके लिए मैं मांगता हूँ कि अल्लाह पाक ना इससे दुगनी आपके लिए हो, आपके फ़ायदे के लिए हो, आपके लिए जो आप मांगती हैं नहीं मांगती वो आपके लिए हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी परी जो है इधर आई हुई है, परी क्या कर रही हो, क्या है ये, क्या है, हाँ इधर देखो, कॉल कर रही हो, हाँ किसको कॉल कर रही हो, हाँ किसको हेलो कर रही हो, हाँ मैं कौन, कौन है, हेलो करो, बोलो हेलो करो, हाँ बटन दबा के फिर करेगी हेलो, हाँ करो हेलो करो, हेलो कर, हेलो क्या हाल है, ठीक हो, काल काल इधर सुनो बात सुनो, ये देखो, हाँ अब करो हेलो करो, हेलो इधर करो बंद करके आप काल कहाँ कान पे रखो, अब हेलो करो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, लो करो, हाँ हेलो करो परी, हेलो करो, ओए चले हेलो करो, नखरे करने लग जाती है, सुनो ये बताओ इधर आओ, इधर आओ, कहाँ परी दूसरी बशी कहाँ है, हाँ चले, अच्छा हेलो करो फिर, क्या हाल है, ठीक हो, मैं ठीक हूँ, बोलो बोलो मैं ठीक हूँ, बंद ठीक है, नहीं बंद नहीं हुआ, ये देखो चल रहा है, ये चल रहा है, हेलो करो 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 करो, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो,
फिर बटन दबा देती है, फिर देखने लग जाती है। अच्छा ये बताओ कहाँ है पशी, कहाँ है? इधर देखो पशी कहाँ, हाँ पशी कहाँ है? पशी कैसी है? किधर है? चार छत्ती पे सूती भी है? कितना? चार छत्ती पे अंदर सूती भी है। आप नहीं सोई? क्यों? उठी आई। अच्छा आप उठ आई हो, कहती है मैं उठी आई हूँ, मैं उठ आई हूँ, पशी सो रही है। अच्छा बात सुनो, तेरी अम्मी कहाँ है? हाँ वो तो मेरी अम्मी है, आपकी अम्मी कहाँ है? हाँ अंदर, इधर इधर आ, इधर आ, उठो सोने। ये क्या है? टूट गई है, चलो और ले लेंगे, ठीक है। हाँ परी तेरा टूट गया? आप झूठ बोलती हो, आपका तो नहीं टूटा, आपका नया है, सोना है, भैया का टूटा है। मेरी ना एक सिस्टर है कराची से, शगुफ्ता सिस्टर, वो बोल रही थी कि ये जो है ना इसको इधर से खाली कर दो, ये जो जैसे पड़ा हुआ है इसको खाली कर दो, ये जगह बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगी। तो ये जो है बरामदा हमारा, ये वाला, ये टोटली ऐसे खाली हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। तो उसको मैं बताता चलूँ, ये जो सामान पड़ा है ना, ये अभी हमने ना वो कमरा हमें अभी खाली नहीं करके दिया मालिक मकान ने, तो वो खाली करके देगा, उसके बाद जो है ये सामान जो है मैं उधर शिफ्ट करूँगा। मतलब जो हमारा ऐसे समझो कि ना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो हम कुछ उधर रखेंगे, एक यानी दो कमरे हम साफ़ सुथरे रखेंगे, एक को स्टोर रूम बना देंगे। तो ये जो है इसलिए अभी फौरी तौर इधर रखा हुआ है, क्योंकि आगे सर्दियाँ आनी है, तो वो दो महीने तक तकरीबन खाली करेगा, तो वो होगा। और दूसरा आप बोल रही थी कि ये वाली, ये जो है ड्रम गंदम वाला, ये बड़ी है, आपको वीडियो में छोटी लग रही है लेकिन ये बहुत बड़ी है। ये देख लो, ये बहुत बड़ा ड्रम है। तो ये इधर से उसके ऊपर इधर से नहीं जाता, इस जगह से ना ऐसे ऊपर सीढ़ियों से ये नहीं गुजरता, ऊपर से इधर से रखे ना ऊपर ऐसे, तो वो फिर जो है पूरा मकान का सिस्टम ऊपर वाला काम ख़राब होता है। तो इसलिए फिर ये जो है ये हमने इधर ही रख दिया सहन का, चलो भी अभी गुजारा हो रहा है। हमारी चार पाइयाँ इधर होती हैं इस जगह पे, यहाँ सब चार पाइयाँ होती हैं, ये जो है वो अंदर कुछ अंदर होती हैं, कुछ इधर होती हैं, तो इधर ये पंखा लगा होता है, ऐसे चार पाइयाँ होती हैं। तो ये अभी साइड पे खड़ी हुई है, इसका इतनी मसला नहीं बन रहा अभी, तो फौरी तो जब कोई मेहमान आ जाते हैं तो फिर ऊपर वाला भाई वाला जो कोचिंग है ऊपर, भाभी भाई भाभी वाला, वो फिर खुला है, उधर फिर मेहमान कुछ उधर शिफ्ट हो जाते हैं फौजी तक। बाकी वैसे भी दो महीने तक गर्मी आ जाएगी, ओ सॉरी सर्दी आ जाएगी, सर्दी में फिर वैसा माहौल हो जाएगा। और ये देखें ये बैठक, इसके अंदर वैसे भी ये देखें अभी हमने ये खड़ी की हुई है, ये बैठक के अंदर जो है ना यहाँ पे वो मेरे इरादा है, इधर सब कलीन बिछा दूँगा, और कलीन लेके इधर कलीन बिछा के, वैसे इधर लगा हुआ है पंखा, ऐसे बंदा सोया रहता है, सर्दियों में भी ये काम आ जाएगी। तो इधर जो है कलीन बिछा देंगे, और मेरे बेड वो तैयार हो चुके हैं, जो बेड मैंने ना साल हो गया उस मिस्त्री के पास, वो बोलता है कि यार मेरा कसूर बता तो उठा ले। तो मैंने कहा मेरे पास अभी टाइम नहीं था, जगह भी नहीं थी, तो मैंने उसको बोला यार थोड़ा सा वेट कर ले, तो फिर मैं जो है उठा लूँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह हो गई है, तो अब उससे उठवा लूँगा। एक ऊपर भाई वालों का है, एक हमारा है, तो मेरा इरादा है कि एक इधर बैठक में रख के वो, और कलीन बिछा दूँगा, ये खुला माहौल हो जाएगा, या फिर अंदर का जो माहौल है ये वाला, ये जैसे है, इधर फिर बेड रख दूँगा, बेड के बाद फिर खाली कलीन बिछा दें कलीन बिछा देंगे, सरैकी में बोल रहा था सॉरी। तो इधर जो है कलीन आ जाएगी, ये फिर अलमारी है, बेड आ जाएगा, इधर कलीन आ जाएगी, और एक बेड, मतलब ये चार पहियाँ रखनी पड़ी तो रख देंगे, बाकी ऐसे माहौल जो है ये ऐसे रहेगा, या एक होगा, या हम रखेंगे क्या नाम है बैठक में बेड, या रखेंगे हम बेडरूम में, तो वो फिर आप सब ने भी बताना है, क्योंकि वो जो है बेड इंशाल्लाह वो बेड हमारे कल आ जाएंगे, अभी तो नहीं, अभी मैंने उसको एक कॉल आई थी दिन को, मैंने कहा यार मैं तो जॉब पे हूँ, जैसे छुट्टी होती है तो फिर जो है मैं उठा लूँगा, लेकिन वो ऐसा हुआ कि फिर शाम को जैसे छुट्टी हुई
तो उसकी शॉप बंद हो गई, फिर मैं वापस आ गया। देखेंगे, और इधर ये जो है अपने काम में लगी हुई है, ये पता नहीं किसके वाइट वाइट कपड़े हैं, और ये देखो इसका जो काम है ये अपना लगी हुई है। हाँ, मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। सलाम दुआ कर लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरे घर में भी सब ठीक है। अमीना देखे मेरा गला दबा रहा है, ये कैसी है, इसको मार के ना मैं इसको मारना चाहती हूँ। अमीना इसको मारना चाहती है, मैं बाहर पर की जैसा ऐसे ही देखे। आप इसका गला दबाती हो, मारना चाहती हो? हाँ जी। मैं आपको क्या कहती हूँ, आप मुझे मारना चाहती हो? मैं तो आपको कितना ख्याल रखती हूँ। हाँ बहन है आपकी, भाभी भी आपकी, भाभी भी है, भाभी है आपकी। ये कहती है ये तो हो जाएगा नहीं, हाँ हमारे यज्ञ कपड़े ये दासी का थप्पा मिल जाए। हाँ अमीना, अपनी भाभी को नहीं लेके दिया, चुम्बिया ले रही हो, बताओ। हाँ बताओ। हाँ अमीना, आप बात सुनो, आप सब के लिए दुआ करो, जो बहन भाई देखते हैं ना उनके लिए दुआ करो। हाँ जी। हाँ दुआ करो कि अल्लाह पाक उन सब को हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश, और जो बे औलाद हैं, बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जो बीमार हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, उनको शिफा दे, शिफा दे। हाँ सब का कह रही अमीना दुआ करो। हाँ हाँ वो सब कहते हैं कि अमीना से कहना हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें, हमारे घर में जो मसले हैं मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं। आप सब के लिए दुआ किया करो, ठीक है, स्पेशली दुआ किया करो सब के लिए, ठीक है। हाँ जिसकी बच्चे बीमार हैं या जो की परेशानी है उन सब के लिए दुआ करनी है, ठीक है। हाँ आज नात भी सुनाओ, नात सुनाओ, अब वो तेरी भाभी भी सुनाएगी, पहले आप सुनाओ। खेला गए, वाह जी वाह, हंसना नहीं है, हंसो नहीं, खिलो नहीं, आप नाच सुनाओ, जो भी दिल करता है वो सुनाओ, जो आपको आती हो ना वो, जो आती है वो सुनाओ। हाँ जी वो सुनाओ, शाह मदीना। हाँ जी देख कपड़े फिर जैसे। हाँ शाह मदीना वाली सुनाओ। हाँ जी सुनाओ। हसबी नहीं, वो शाह मदीना वाली दर के सवाली, शाह मदीना के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाह मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैं कितने घड़ी नहीं लेके आया, घड़ी ओ आपने तो तोड़ दी थी, और तो चोर चाह गए। नहीं नहीं चोर नहीं चाह गए, आपने तोड़ दी थी गुस्से में। अच्छा वो क्या नाम है, आज खाना वगैरह का कोई प्रोग्राम नहीं? खाना तो आपको पता है जैसे कि दोपहर को बनाते हैं, वो फिर शाम को वही खाना है। अच्छा ये कपड़े किसके हैं? अम्मी के हैं। चुम्बिया ले रही हो, क्या हो गया है आज? अच्छा रोना नहीं है, खुश रहना है बस, हैप्पी रहना है, खुश रहना है। किसकी? नहीं आप ढेक हैं, हमारे पास बहुत है अल्लाह का शुक्र है, बस हाँ। बाकी जो जिनकी नहीं है उनके लिए दुआ करनी है, ठीक है। और दूसरा ये कपड़े किसके हैं? अम्मी के हैं। ये भी सारे दिन, ओ जब ये भी थी ना, हाँ। जब मेरी पहली एंट्री हुई थी उस दिन अम्मी आई थी ये कपड़े लेके, बोल रही थी कि मुझे ना जल्दी। अच्छा ये भी उनके हैं और ये भी, मतलब जो दो जोड़े हैं? नहीं चार सूट है, चार सूट उधर जाने के लिए। हाँ जी सही सही। अच्छा जल्दी से ना छोटी सी नाच सुना दो तो मैं जाऊँ आगे, फिर आज सुना दो। हाँ कोई और आज सुना दो, छोटी सी सुनानी है। वो कहते हैं ना बहन भाइयों की, मतलब कि मेरी भी मजबूरी है, जो बहन भाई बोलते हैं तो उनकी फिर फरमाइश पूरी करनी पड़ती है ना। वो कहते हैं कि हर व्लॉग में ना छोटी सी एक होनी चाहिए, बिल्कुल
फिर आप बता दें मैं कौन सी सुनाऊं। जो अच्छी हो, सबसे छोटी हो, और मतलब नाते तो सब अच्छी होती हैं, लेकिन जो आपको ना आती हो वो वाली सुना दो। थोड़ी सी सुना देना क्योंकि व्लॉग फिर लंबा हो जाता है। हाँ जी, इनका गला ही बहुत सुहाना लगता है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, याद कर रही हूँ अभी। कौन सी याद कर रही हो? मेरी टांगों में दर्द होने लग गया है। आप चारपाई पे बैठ जाए ना। चारपाई पे मैं थक जाता हूँ। अभी ना एक मिनट रुको, अभी ना नाते सुनेंगे। हाँ, हर रोज एक नाच सुननी है मैंने। अच्छा चलो सुना देती हूँ। मक्के विच नबी दी आमद ते होया रुशनाया ने, सारियां हूरां आमन पाक नु देण मुबारक आईया ने, सारियां हूरां आमन पाक नु देण मुबारक आईया ने। कुली का दी सी लोक बस कखा दा इक ढारा सी, ओदी किस्मत माड़ी सी ते उंदा हाल भी माड़ा सी, जागे भक्त हलीमा दे हो, जागे भक्त हलीमा दे, जिद करम कमाया साया ने, सारिया मूरा आमन पाक नु दे मुबारक आया ने। नूरत मोतिया नाल सजाया अल्लाह पाक ने सेरे नु, जानवर गाना आखो मेरे पाक नबी दे चेहरे नु। नूरत मोतिया नाल सजाया अल्लाह पाक ने सेरे नु, जानवर गाना आखो मेरे पाक नबी दे चेहरे नु। आका दे मुखड़े दे विच हो, सफाइयां ने, सारियां हूरां आमन पाक नूं दे मुबारक आईयां ने। इंज दा कोई गम खार जमाने उत्ते कोई नहीं आ सकदा, सारे जग विच फिर के वेखो कोई नहीं तोड़ निभा सकदा। इंज दा कोई गम खार जमाने उत्ते कोई नहीं आ सकदा, सारे जग विच फिर के वेखो कोई नहीं तोड़ निभा सकदा। मेरे मदनी माई जीवे गरीबा नाल निभाया ने, सारियां हूरां आमन पाक नूं देण मुबारक आईया ने। जो कुछ तेरे कोले सारा ओदे ना तू लुटांदे रहो, सोने नाल मोहब्बत वी ते फिर मिलाद मनांदा रहो। जो कुछ तेरे कोले सारा ओदे ना तू लुटांदा रहो, सोने नाल मोहब्बत वी फिर मिलाद मनांदा रहो। आशिक लोकां गुर दियां गल्लां, आशिक लोकां गुर दियां गल्लां मैनू ए समझाया ने, सारियां हूरां आमन पाक नूं देण मुबारक आईया ने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी नात थी आज की। सबसे आखिरी कली है वो तो बहुत प्यारी है। चलो वो भी सुना दो, मैं समझा खत्म हो गई। अपने ना बेचूंगा इधर पदे विच विसु फरूकी गल ना बन दी छावां दी, आम ना बीबी ना होंदी ते कदर ना होंदी मावां दी, रिया मावां नबी दी मादा, सारिया मावां नबी दी मादा, सदका शाना पाया ने, सारिया हूरां आमन पाक नूं देण मुबारक आईया ने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस आप कंप्लीट हो गई। हाँ जी, पूरी मुकम्मल पढ़ ली मैंने। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो बहन भाइयों का। हाँ, सबका देखते हैं पसंद करते हैं, उनके लिए शुक्रिया। ओके हो गया, आपका शुक्रिया पहुंच चुका है साहब तक। क्या क्या हुआ? ओए ये क्या? किस चीज पे चलती हो? चाबी के वाली खिलौना हो आप? ये क्या लेने जा रही हो? हाँ शय गिनन, क्या शय? क्या क्या लेने जा रही हो? पापड़, पापड़ लेने जा रही हो? हाँ जाओ जाओ फिर ले आओ, मेरे लिए भी ले आना। हाँ ठीक है। हाँ बाबा वो देखो पैसे वो हैं, और भी आप लोगों को मैं देता हूँ। आप लोगों को मिले हैं?
आपको मिले हैं? हाँ कच्चा लिया हाँ साहब को देता हूँ फिर ठीक है पापड़। ठीक है वो पापड़ इसके अमीना के लिए भी पापड़ लेके आना है, आपने भी पापड़ लेना है या चंगी अच्छी चीज लेनी है आपने? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो हाँ अच्छी चीज लेनी है, गंदी आतस चीजें गंदी नहीं लेनी ठीक है। हाँ बाबा पैसे दूँ? हाँ पैसे देता हूँ मैं। क्या ये सांप की लेनी है? वो है पैसे, वो पैसे हैं, ये ले दो। हाँ इसको इसके लेनी है आतिफ को, अयान को, और उसके तो हैं अमीना के लिए भी लेकर आना है जो ये चीज़ खाती है ठीक है। हाँ जाओ फिर जाओ 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 भागो तो जी माशाल्लाह से बेगम की जो है आज ख्वाहिश हो गई पूरी। और इसके जो है ये लेकर आया हूँ एक, ये है इसकी शेव करने के लिए, लगाने के लिए। हाँ ये है, ये ऊपर वो जो क्या होता है जाला वगैरह उसको ना साफ करने के लिए ये स्टिक है। और ये बड़ा भी हो जाता है? हाँ बड़ा, इसको खोल के ना इधर से, ये इधर से खोलोगी ना, इसको खोलो खोलो फुल खोलो, खोल दो खोल दो खोल दो खोल खोलो। मैंने कभी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं की, मुझे क्या अब करनी पड़ेंगी। ये जितना ऊपर इतना आप पहुँच जाएगा ना, वो जैसे ज़्यादा लगा हुआ है हाँ, ये ऐसे साफ करने के लिए ठीक है। नीचे करो ख्याल करना पंखे को ना लग जाए। अच्छा एक ये हो गया, एक ले आया हूँ ये पोचा, ये जो आप बोलती थी कि पोचा नहीं है घर में, तो ये जाओ दूध वाला आया है दूध लेके आओ, ये पोचा लगाने के लिए, इसको खोलो 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 जल्दी खोलो, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। परी भी देख रही है, परी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, झाड़ू है? हाँ ये इसके तो बाल है। हाँ ये बालू वाला पोछा ऐसा ही होता है, इसको नीचे रखो ये ऐसे ऐसे। हाँ ये गीला गीला करके ना ऐसे फिर इसको ये इस्तेमाल होता है ठीक है। मजीद इसके इस्तेमाल करने की वीडियो भी देख लेना यूट्यूब पर कैसे इस्तेमाल होता है ठीक है। और दूसरा ये लेके आया हूँ, ये शीशा आईना, ये वॉशरूम के वो आगे बेसन के ऊपर नहीं था ना, तो ये उधर लगाने के लिए ये है, ये हो गया। अच्छा और एक लेकर आया हूँ वो दूसरा लिक्विड जो होता था वो तो इधर पोछा लगाती थी स्मेल लाती थी, तो फिर ये लेके आया हूँ इससे स्मेल नहीं होगी ये वाला। मतलब कि कोई बर्तन में पानी डाल के हाँ फिर इस कोना बीच मिक्स करके फिर पोछा लगाना। हाँ इसको बीच मिक्स करके ना फिर पोछा लगाना है। ये मिक्स करके मतलब कि वो है उसी हिसाब से कि ये इससे स्मेल नहीं आएगी, ये इसलिए है ये तो हाँ सरफ, ये सरफ नहीं है, ये इसी वास्ते किस मतलब के पोछे लगाने के लिए होता है। तो ये चीज़ें हैं ये आपके लिए आ गई, आप खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश, इतना खुश के क्या। हाँ बस अब जो है घर की सफाई आपके ज़िम्मे है, बाकी चीज़ें जो आपने बोली वो मैंने आपको दे दी, अब मेरा घर घर जो है बिल्कुल जन्नत की तरह सोना कर देना है साफ सुथरा। हाँ बहुत सफाई करने के लिए, ऊपर जाले लगाने के लिए, कोई चीज़ जिनका मकान था उनकी तो सब चीज़ें थी ना वो तो ले गए, और हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं थी इसलिए जो मैंने हाँ। आपको बोला कि सोना शीशा है आपको पसंद है? हाँ जी माशाल्लाह ये टाइम में नवा शीशा लगा। हाँ जी ये नवे कपड़े यही सोना लगता है। सही हो गया। ओ एलिजा खुश हो गई, एलिजा आपका झाड़ू आ गया। ये झाड़ू नीचे लगाने के लिए नहीं है, ये ऊपर लगाना है छत पे। हाँ इधर नहीं लगाना, छत पे लगाना है ठीक है। इधर जी माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, तबीयत ठीक है। हम ही बोल रहे थे कि पूछ रहे थे आप
खैर थी, कोई काम था यार था कि आज वो जो है ना बात करनी थी। एक तो वो जब अपने प्लाट पे काम शाम करवाते थे वहाँ पे एक बड़ा सा पाइप का टूटा था रबड़ वाला। हाँ वो तो मिस्त्री ले गया था, उसको बोलूँगा वो भेज देगा। हाँ वो चाहिए हमें क्योंकि इधर घर में ज़रूरत है। नीचे भी वो भाभी भी कह रही थी कि ये फर्श वगैरह को लाई चलाई करने पड़ते हैं या हाँ। वाशिंग मशीन में पानी वगैरह डालना हो तो पाइप है नहीं घर। अच्छा तो वो ले आना है हाँ। और दूसरा और क्या था और दुआ थी डीसी वाली मोटर की। वो मोटर भी पंप भी था ना। हाँ वो पड़ी है, वो अहमद की शॉप पे पड़ी है, वो तो कहता है जब दिल करे उठा लो ना। हाँ वो भी चाहिए, फिर इसका जुगाड़ लगाएंगे। घर में नलका नहीं है, लाइट ना हो तो पानी का प्रॉब्लम बन जाता है। हाँ तो वो इसको कोई मिस्त्री ले आएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये इसी बोर के साथ दो मोटरें एडजस्ट हो सकती हैं। हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, मतलब टी लगानी पड़ेगी, हो जाएगा वो टी वाला। हाँ टी लगानी पड़ेगी, ये हो जाएगा। जब जरूरत होगी दिन को तो डीसी पे चला के टंकी भर लिया। दिन को ना सारा दिन हम डीसी वाली चलाते रहेंगे, फिर शाम को इमरजेंसी वाले रात दी चलानी पड़ी तो दूसरी चलाएंगे ना। बिजली सारा दिन मोटर चलती है, नलका भी नहीं है तो बिजली का ना बहुत खपारा है, तो बिजली बहुत महंगी है। हाँ बिजली का बिल ही तो अब आएगा तो पता चलेगा। उधर तो आप रोला करते थे कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बड़ा घर है, अब पता चलेगा। इसलिए तो जुगाड़ लगा रहे हैं, वो मोटर भी जो है। हाँ तो वो फिर प्लेट जो है वो मेरे ख्याल जहद वालों के घर है। हाँ, वो भी मंगवा लें, वो भी मंगवा लें। बाकी ये पंप वगैरह मैं ले आऊँगा डीसी, और दूसरा पैप वगैरह वो भी ले आएंगे तो फिर हो जाएगा। ये बात करनी थी, और दूसरी थी कि वो जो हमारे पता नहीं साल डेढ़ से बेड पड़े हुए हैं। हाँ उसी की बात कर रहा था मैं अभी अम्मी से भी कि वो बेड जो है वो तो कह रहा है कि यार उठा ले, मेरा क्या कसूर है। मैंने कहा बस ये लगा दो उधर देख के। हाँ मैंने कहा कि कसूर कोई नहीं है, बस ना आज मैं उठाऊंगा। लेकिन आज मैं फिर मैंने कल की जब छुट्टी हुई तो बोला कि यार शॉप बंद है तो कल जो है उठा लेना, तो वो फिर कल उठा ले आऊँगा फिर। हाँ वो बेड आ जाएंगे कल, चाहिए देखें कैसे हैं उनकी, कैसी है सेट है या बस ऐसे गुजारे वाले हैं कैसे है। कब से पड़े हैं, साल डेढ़ साल हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया। नहीं वो तो उसने रिपेयर किया था, उसको मैंने कहा था कि इसको रंग वगैरह कर देना है, पॉलिश वगैरह कर देनी है, तो वो पॉलिश तो उसने कर दिया। बाकी कह रहा था कि यार इतनी अच्छा रखा हुआ था तो वो फिर से उसकी चादर जो है वो थोड़ी सी टूट गई है। मैंने कहा उतनी उसकी खैर है, मेन चीज़ है उसका जो ढांचा है वो ना टूटे। कहता वो ठीक है बस जल्दी से ले जाओ। मैंने कहा चलो ले जाता हूँ फिर। पहले तो हमारी मजबूरी थी, हमारा घर नहीं था तो हमने सोचा इधर ले आए, फिर जो है चुकने पड़ेंगे। फिर अभी तो अल्लाह के पाक का शुक्र है अपना घर हो गया है तो ले आए फिर। हाँ फिर वो आज तो नहीं उसने लिया तो कल तक, कल फिर ले आऊँगा। अब जो है इनको इंतज़ार है, अपना घर हो चुका है, भाभी को भी इसको भी जल्दी से बैठाएं, हम अपने कमरे में रखें उसको सजाएं। अच्छा सोचने की बात है, खाली बेड का क्या करेंगे, उसके ऊपर तो ना कोई वो मैट्रेस है ना कुछ है, ऐसे खाली बेड का क्या होगा। नहीं भाई अल्लाह मेरे लिए तो फायदा है उसका, आपकी कमर के लिए फायदा है। मैं उस पे सो जाया करूंगा, मुझे तो कब से डॉक्टर ने कहा था फट्टे वगैरह पे सोया करें, तो ये चारपाइयों पे सो के लिए फिर मेरे लिए फायदा है, मैं उस पे ही सीधा लेटा रहूंगा। वैसे भी सर्दियाँ ही आ रही है तो सर्दी रात दाना ये कहता है मैं उधर फट्टे में सो जाऊंगा तो मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। चलो जी वो आ जाएगा इंशाल्लाह कल। वो जो ये कौन सा अपने बड़े डबल डबल बेड हैं जिन पे मैट्रेस अच्छा लगेगा, ये छोटे चार पाई जितना तो हाँ छोटे सिंगल बेड हैं इसकी तरह, तो जैसे ये चार पाइयां हैं वैसे भी रिपेयर शुदा हैं, वैसे गुजारे वाले हैं तो हाँ। जब फिर इंशाल्लाह अपने लेंगे डबल लेंगे फिर मैट्रेस वगैरह और खूबसूरत करेंगे बाद में। ये तो बाद की बातें हैं, जिंदगी की बातें हैं, पहले तो घर का है ना, इसका जो देना है वो करेंगे। अब बस 15 दिन रह चुके हैं, 15 दिन के बाद फिर किस्त भी आ जानी है, उसका भी है। अल्लाह खैर करेगा, दुआएं तो बहुत कर रहे हैं। हाँ बस इंशाल्लाह कोई ना कोई हो जाएगा माहौल फिर। हाँ जी ओके हो गया, दुआएं करनी है बस 15 दिन रह गए हैं, 15 दिन के अंदर आपने पैसे देने हैं। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ, मैं तो कहती हूँ साल क्या 6 महीने में हमारे पैसे जो है अदा हो जाए। ये हमारे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस ये घर की तो खुशी है लेकिन ये हमारे सर पर जो है ना एक बहुत बड़ा वजन जो है ना, ये कर्ज का बोझ। हमारा जमीर ऐसा है कि हम जो है ना किसी का कर्जा देना हो तो नींद भी नहीं आती,
ये हजारों वाला नहीं है, लाखों वाला कर्जा है, तो नींद कैसे वही नहीं। मेरी रात को जाग होती है तो मैं देखता हूँ ये उठ के फिर रही होती है, देख रही होती है कि पैसे ढूंढ रही होती है कि हाँ जी इधर इधर जाना है, इधर से पैसे मिलेंगे, किस्त बन जाएगी। तो मैं ये क्यों घूम फिर रही है, तो कहती है ये कर्ज का बोझ है ना, बोझ हल्का होता है क्या ऐसे घूमने से? फिर नहीं, जब नींद होती है तो फिर कोई ख्याल आ जाता है तो जाग हो जाती है, आँख खुल जाती है तो फिर जो है ना ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं, तो नींद टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लोगे तो आपका। इसको क्या परेशानी होती है? ये होती है कि वो जो है ना, वो मतलब बात है ना कि अगर ये कर्ज अदा ना कर सकेंगे तो फिर ये घर छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये खौफ जो है ना, अभी इतनी मुश्किल से ये घर अपना मिला है, ये फिर कर्ज अदा ना होने की वजह से ये भी फिर चला जाएगा, तो फिर नहीं नहीं अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है ना, इनको खाए जा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि बस हौसला रखें, अल्लाह ने घर दिया है तो इंशाल्लाह इतने हाँ वो हो चुके हैं, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, भरोसा रखें, बस दुआ करें, हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हर वक्त दुआ करते हैं, अल्लाह पाक कबूल करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सब बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जिनके घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी अपना घर दे, आमीन आमीन। बिल्कुल बिल्कुल। लगी हुई है इधर खाने पकाने में, क्या पकाया है? दोपहर को बनाए थे आलू की रेसिपी, आलू आलू अभी रोटी लग रही है। हाँ जी रोटी लग रही है, आटा गूंदा हुआ है और सालन जो है हमारा पहले वाला बचा हुआ है और खाना तो पक रहा है, बाकी वीडियो का यहीं पर ये क्या मिर्चें कहाँ से? नहीं मिर्चें तो नहीं थी, पता नहीं मुझे ऐसे हुआ। चलो जी हमारी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल होती है, वीडियो लंबी हो चुकी है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।